नहीं, इंडिया पहले से है ना, तो आज की बात तो है नहीं, इंडिया पहले से है, इंडिया से बिल्कुल प्रेम नहीं है। वो लोग अपना इतिहास ही मिटाने में लगे हुए हैं, उन लोगों की अपना बुद्धि का बलिहारी है, जब इतिहास मिटा रहे हैं, इंडिया का नाम मिटा देंगे, देश का इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये तो वो लोग कर ही रहे हैं। लगातार जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं अब जो है तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और इसका नाम जो है वो INDIA रखा गया है, जिसको अब कहीं ना कहीं बदला जा रहा है, इसको अब भारत नाम दिया जा रहा है, जिस पर लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अब जो है आज़ादी के इतने साल बाद जो है वो भारत नाम क्यों रखा जा रहा है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार घबराहट में, घबराहट में अब क्या निर्णय लेगी नहीं लेगी वही लोग अच्छे से बताएंगे। ये उन लोगों का घबराहट का नतीजा है जो विपक्षी एकता जो रंग ला रहा है, सफल हो रहे हैं, अब कई बैठकें हुई, सभी विपक्षी नेता की जो तादाद बढ़ रही है, इससे वो लोग घबरा कर कुछ से कुछ निर्णय ले रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। इंडिया सब तो अगर हटाकर भारत किया जाए तो उसमें कोई इतराज है नहीं, इंडिया पहले से है ना, कोई आज की बात तो है नहीं, इंडिया पहले से है, इंडिया से किसी प्रेम नहीं है। अब वो लोग अपना इतिहास ही मिटाने में लगे हुए हैं, तो उन लोगों की अपना बुद्धि का बलिहारी है कि जब इतिहास मिटा रहे हैं, इंडिया का नाम मिटा देंगे, देश का इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये तो वो लोग कर ही रहे हैं। ये तो पहले से है ना, इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये तो पहले से नाम है, कोई आज की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से ये सब हो रहा है या बाद की बात हो रही है, ये तो पहले से है, ये इतिहास है, इतिहास को मिटाने का प्रयास हो रहा है, वो लोग नए इतिहास गढ़ने की प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों का आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन अब इतिहास ही मिटा रहे हैं, नया इतिहास गढ़ रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से लेसी सिंह ने तमाम बातों पर तंज कसते हुए बीजेपी को एक कटाक्ष कहा है कि उनको तो आज़ादी से कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या कुछ बातें करेंगे, वो आज़ादी में उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।